तो भैया बिहारी जी महाराज के दर्शन करके आते हैं और आज ठाकुर जी महाराज जो है स्वर्ण के इंडोले में विराजमान है, तो ये विशेष दर्शन है आज हमारे। देखो जय जय भी सब्सक्राइबर हैं, महाराज जी बता रहे हैं। हाँ, स्पेशल सब्सक्राइबर हैं हमारे और श्री जी की सेवा में भी है। देखिए घर से ही निकलते ही सामने भी एक मंदिर है, वहाँ पर भी ठाकुर जी श्री जी का झूला चल रहा है। लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाओ। कोई अगर भक्त अगर आए तो उसको क्या बोलोगे? ठाकुर जी ने जो लाल पोशाक पहन रखी होगी ना, आहा, आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं श्री जी लाल पोशाक में, हर जगह आपको हरी पोशाक में मिलेगी। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो ही आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में श्री धाम वृंदावन से। और आज ये हरियाली तीज का दिन है जो कि बहुत ज्यादा विशेष दिन है आज। और विशेष बात यह है कि आज पूज्य श्री सेवक जी महाराज जी का भी प्राकट्योत्सव है और पूज्य श्री बिहारीन देव जी महाराज जी का भी प्राकट्योत्सव है। आज के दिन जो है सभी मंदिर में ठाकुर जी ने हरी पोशाक पहन रखी होगी और राधा वल्लभ लाल जी ने सुबह के टाइम मतलब सुबह से लेकर के दोपहर तक ठाकुर जी ने जो है लाल पोशाक पहन रखी होगी। उसकी वजह यह है क्योंकि आज श्री सेवक जी महाराज जी का प्राकट्योत्सव है। तो सबसे पहले अभी अपन चलेंगे राधा वल्लभ जी मंदिर में, वहाँ पर श्री सेवक जी महाराज जी का प्राकट्योत्सव की समाज का आनंद लेंगे और बधाइयों का भी आनंद लेंगे। ये एक मतलब प्योर रस है वृंदावन का और ठाकुर जी का। तो हरियाली तीज और सेवक जी महाराज जी का प्राकट्योत्सव है, तो हमने देखिए हरा और लाल दोनों पहन रखा है। हरियाली तीज मनाएंगे जब हरी हो जाएगी, जब श्री सेवक जी महाराज जी का प्राकट्योत्सव मनाएंगे जब ये लाल का भी है, इसमें दोनों मतलब मिक्स है। यहाँ पर सबसे पहले अपने घर के ठाकुर जी महाराज के दर्शन कराते हैं आप सभी को। जय हो ठाकुर जी महाराज की जय, श्री जी सरकार की जय। तो ये देखिए आज तो भैया क्या ही कहें, ठाकुर जी के दर्शन देखो कितने सुंदर हैं और हरी हरी पोशाक है यहाँ पर। और यहाँ पर श्री जी की मेहंदी और ये कंगन, जय हो। और इसी के साथ श्री जी का चिन्नामृत भी ले लेते हैं। और मेरे हाथ लाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कल मेहंदी घोली थी अपन ने। तो भैया फिलहाल अभी अपन चलते हैं क्योंकि 1:15 बाकी हैं और अभी अपन को ये भी नहीं पता कि मतलब राजयोग आरती कितने बजे होगी, मगर चलते हैं ठाकुर जी की कृपा से दर्शन तो हो ही जाएंगे। तो भैया बहुत लोग ये पूछ रहे होंगे कि मेरे हाथ लाल कैसे हो रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कल अपन ने श्री जी की मेहंदी घोली थी सेवा कुछ मंदिर में जो कि प्रतिवर्ष घोली जाती है। तो भैया अभी तो अपन को कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि ठाकुर जी के दर्शन मिल जाएँ बस। ठाकुर जी ने जो लाल पोशाक पहन रखी होगी ना, आहा, आनंद ही आनंद आ जाएगा। अपने घर पर तो हरी पोशाक थी जैसा कि आपने देख लिया होगा, मगर ठाकुर जी की राधा वल्लभ जी में लाल मिलेगी। घर से निकल रहे थे जब धूप नहीं थी, मगर अब देखो धूप भी आ चुकी है। जय हो राधा वल्लभ लाल की जय। फिलहाल अभी अपन राधा वल्लभ जी के घेरे में आ चुके हैं और टकोरे की आवाज़ आ रही है, जल्दी चलो लगता है आरती हो रही है। जय हो राधा वल्लभ लाल की। तो भैया अभी राधा वल्लभ जी की राजयोग आरती हो चुकी है, मगर अभी अपन जो सोच रहे थे ना कि लाल पोशाक मिलेगी वो तो मिली नहीं, हरी पोशाक मिली है। जय हो राधा वल्लभ लाल की है। तो ये यहाँ पर आज राधा वल्लभ लाल जी का झूला लगेगा इंडोला। जय तो ये श्री जी का बीड़ा प्रसाद। तो आप देख सकते हैं सामने श्री सेवक जी महाराज जी की बधाई उत्सव होगी, अभी समाज गायन होगा, अब वहीं पर चलते हैं और आनंद लेते हैं। तो भैया वैसे तो श्री राधा वल्लभ लाल जी की हर बार लाल पोशाक होती है जहाँ तक मुझे अंदाजा है, और पता नहीं आज हरी हुई है मगर। तो अभी अपन चलते हैं यहाँ पर समाज गायन का आनंद लेने के लिए। ये हमारे मुखिया जी हैं जो राधा वल्लभ जी की समाज गायन करते हैं, श्री हरवंश। तो ये यहाँ पर श्री सेवक जी महाराज जी का बधाई उत्सव तो हो चुका है, हर बार मतलब आरती के बाद भी हुआ करता था, मगर इस बार जो है ना आरती से पहले ही पूरा हो चुका है। क्या बात है, जय हो राधा वल्लभ लाल की। तो ये श्री सेवक जी महाराज का बधाई का प्रसाद है, ले लो आप, किनका ले लो। तो ये यहाँ पर श्री जी का प्रसाद मिला है, श्री सेवक जी महाराज जी के बधाई उत्सव का प्रसाद, समोसा और हलवा मौन भोग। अब इसको पा लेते नहीं तो और कोई ले जाएगा हमसे, भीड़ बहुत है। तो ये यहाँ पर श्री जी का समोसा प्रसाद तो पा लिया है, हलवे को पाएंगे घर पे जा करके, उसको छुपा लेते हैं। राधिका वल्लभ जी का मंदिर तो बंद है, तो लगभग 1 घंटा भी अपन यहाँ पर बैठ चुके हैं, अपने मित्र से भी मिलने के लिए आए थे वो भी मिल लिए हैं,
अब शाम को कितने बजे दर्शन खुलेंगे बताओ? शाम को ठाकुर जी के झूलन उत्सव के दर्शन है, जिसमें कि हरियाली तीज के पावन अवसर पर, जिसमें ठाकुर जी हरी पोशाक और लाल पोशाक दोनों का कॉम्बिनेशन धारण करेंगे और झूलन उत्सव के दर्शन करने जरूर आएंगे आप। तो 5:30 बजे दर्शन खुलेंगे और लाल पोशाक और हरी पोशाक दोनों पहनेंगे ठाकुर जी। लाल पोशाक इसलिए सेवक जी महाराज जी का जन्म उत्सव है और हरी पोशाक इसलिए क्योंकि हरियाली तीज है कि नहीं? ठीक है श्री अरवंश। तो देखिए पहले 1 घंटे पहले कैसा मौसम था और अब कैसा है, और बीच में बारिश भी हुई थी। फिलहाल हलुआ को लेकर के, मोहन भोग को लेकर के चलते हैं। तो भैया पैदल चल करके बहुत आनंद आ रहा है और बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो भैया आज भीड़ तो है मगर उनकी व्यवस्था अच्छी कर रखी है बस। तो भैया अभी अपन चलते हैं अपने घर पर और वहाँ पर प्रसाद पाएंगे और जो है फिर आराम करेंगे और शाम को जाएंगे राधा वल्लभ जी और सेवा कुंज और राधिका वल्लभ जी भी, क्योंकि जो है शाम को जो है ना राधा वल्लभ जी में झूला उत्सव है, उसका तो अलग ही आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। सावन का महीना चल रहा है और बारिश का भी खूब आनंद ही आनंद हो रहा है और बहुत लोग तो मतलब ये हाथों को ही देख रहे हैं ये मेरे लाल कैसे हो रहे हैं, मगर देखने तो हमें क्या करना। राधा रानी मानसरोवर जाने का मन तो बहुत हो रहा है मगर जा नहीं पा रहे, वो इसलिए कि कभी भी बरसात आ सकती है। तो फिलहाल अभी अपनी होली गली पर आ चुके हैं और हम जैसे ही आए देखिए बारिश भी प्रारंभ हो चुकी है, एक एक बूंद मतलब आ रही है, आप यहाँ देख सकते हैं देखो। तो भैया आज के दिन बांकी बिहारी जी मंदिर में ना ठाकुर श्री बांकी बिहारी लाल जी स्वर्ण हिंडोले में विराजते हैं आज और स्वर्ण के हिंडोले में झूला झूलते हैं, वो विशेष दर्शन है मगर हम इस ब्लॉग में करा नहीं सकते क्योंकि वहाँ का अलाव नहीं है। तो भैया बाहर तो बारिश आ रही है, अब अपने घर पर चलते हैं हम। चलो 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 सरको सरको सरको। तो भैया अभी प्रसाद पाने से पहले भी अपन जूस पी लेते हैं मौसम्मी का। तो भैया इस जूस का जो है भोग तो लग नहीं सकता है, वो इसलिए क्योंकि ये बाहर से आया है, अपने घर के ठाकुर जी का जो भोग लगेगा ना मतलब घर से बना हुआ ही लग सकता है। तो ये गिलास से ज़्यादा पीने में आनंद मालूम है ऐसे आता है, मतलब थैली को हमने थोड़ा सा फाड़ लिया है और उसके बाद पियो। ये मतलब बचपन की आदत है ये। तो भैया जूस पीने के बाद राधा वल्लभ लाल जी का बीड़ा प्रसाद पा लेते हैं। जय हो राधा वल्लभ लाल की जय, जय हो। तो ये यहाँ पर अभी अपन श्री जी का प्रसाद पा लेते हैं। ये कचौड़ी और पूड़ी हैं और ये आलू की सब्जी और ये खीर है, ये मलाई पुआ है। तो आज हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी का जो है आज के दिन हर मतलब ब्रजवासियों के घर में कचौड़ियों का पूड़ियों का मतलब पकवानों का भोग लगता है, तो इसी प्रकार हमारे घर में भी आज श्री जी का कचौड़ियों का और पूड़ियों का भोग लगा। तो ये सबसे ज़्यादा टेस्ट जो है मलाई पुआ में आता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और मतलब रसीले भी होते हैं। तो आराम से प्रसाद पाने के बाद आराम से सोएंगे, फिर शाम को कहीं ना कहीं जाएंगे मंदिर वगैरह, फिर आनंद लाएंगे। राधा वल्लभ लाल जी का इत्र का फुआ प्रसाद, इसको लगा लेते हैं अपने कानों में। जय हो राधा वल्लभ लाल की जय। तो भैया अभी शाम के 7 बज रहे हैं, अपनी संध्या थोड़ी लेट हुई है, खाना पीना खा करके सो गए थे, फिर उसके बाद अपन 6 बजे उठे, फिर थोड़ा ना काम वगैरह किया, उसके बाद अभी 7 बजे अपन अपना जो टाइम है 7 बजे, तो अभी 7 बजे अपना टाइम हो चुका है मंदिर जाने का। अब चलते हैं और आनंद लेते हैं, सेवा कुंज में सबसे पहले हरियाली तीज का आनंद लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे राधा वल्लभ लाल जी के झूले के दर्शन करेंगे। राधा वल्लभ लाल जी के झूले के दर्शन तो भैया इतना आनंद आएगा आपको वो झलक में, कि सबसे बड़ा मतलब वीडियो का मेन पार्ट तो वही रहेगा क्योंकि विशेष दर्शन तो वही है आज के। देखिए घर से ही निकलते ही सामने भी एक मंदिर है, वहाँ पर भी ठाकुर जी श्री जी का झूला चल रहा है, चलो वहाँ भी दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो ये श्री जी के दर्शन तो कर लिए हैं और सेवा कुंज के लिए प्रस्थान करते हैं। तो अभी अपन आ चुके हैं सेवा कुंज मंदिर के बाहर, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पेंटिंग है। तो ये एक फॉरेनर भक्त हैं, उन्होंने मतलब 1 महीने मेहनत करने के बाद ऐसी पेंटिंग बनाई है, देखिए कितनी सुंदर है और बिल्कुल साफ सफाई से बनाई है बिल्कुल। चलिए चलते जय। तो अभी आप सेवा कुंज में एंटर करेंगे और यहीं पर आपको दर्शन मिलेगा, लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाओ। तो यहाँ पर एक छोटे से गोपाल जी हैं, इनको यहाँ खड़ा हो। अब बोल, कोई अगर भक्त अगर आए तो उसको क्या बोलोगे? आओ आओ लाली
धीरे धीरे बोल साफ साफ। हाँ तो ये इसका कहने का मतलब ये कि आइए भक्तजन और मतलब हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी को झूला झुलाइए। तो हम भी आप सभी की तरफ से झूला झुला लेते हैं। जय हो महाराज जी। आरती के बजे की होगी जय हो। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने गोली महाराज आरती करेंगे लड्डू गोपाल जी की। वही जब हम छोटे थे ना, जहाँ पर गोली बैठा है ना गोपाल जी को लेकर के, वहीं पर हम बैठा करते थे। और मतलब जो आने वाले भक्त लोग होते थे ना डिवोटी, उनको हम बोलते थे कि मतलब ठाकुर जी को झूला दिलाओ और दक्षिणा भी दे करके जाओ, तो वो दक्षिणा भी दिया करते थे। मगर अब तो हम बैठते नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों का ये मतलब नियम है मतलब कि वही बैठ सकते। तो ये अब शाम को मतलब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम प्रयास करेंगे कि आज बिहारी जी के भी दर्शन करके आए और आप सभी को मतलब हिंडोले के दर्शन करा देंगे, बिहार जी के तो नहीं करेंगे। छोटी सी लाली आई है अपने सब्सक्राइबर, ठीक है राधे राधे, मिल ली है। मैं भी शुभम जब पूछो खत्म हो गया, ठीक है लाली राधे राधे हैं, मिल ली है मिल ली है मिल ली। अच्छा अच्छा ये है, ठीक है ठीक है। चलो फिर हम जा रहे हैं, राधे राधे बोल लो। अच्छा वाह राधे राधे। भैया श्री जी के शयन के दर्शन कर लिए हैं, झूला उत्सव के बहुत आनंद आया, झूला खाने में भी आनंद आया और मतलब श्री जी की शयन आरती में भी बहुत आनंद आया। तो अभी चलते हैं फिलहाल अपन राधा वल्लभ जी मंदिर। तो अपन को एक छोटी सी लाली सब्सक्राइबर भक्तजन जो है अपने लिए ये लेकर के आई है डिनर की परफ्यूम। भैया बहुत खुशी होती है जब अपना कोई भक्त सब्सक्राइबर जन जो है कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के आता है, तो इसको घर पर जा करके खोलेंगे, मतलब और खुशी भी हो रही है इसको लेकर के, क्योंकि बेचारी छोटी सी लाली जो है बहुत हृदय से मतलब प्रेम भाव से लेकर के आई है। तो ये पहले राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं, क्योंकि वहाँ की मतलब पट पहले लग सकते हैं। और इसको रख देते हैं हम अंदर यहाँ पर राधिका वल्लभ जी में, लौट के आएंगे जब दर्शन करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं लाल पोशाक यहाँ पर है, हियर वंश। तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं श्री जी लाल पोशाक में, हर जगह आपको हरी पोशाक में मिलेंगे श्री जी। राधिका वल्लभ जी अभी लौट करके आएंगे, पहले राधा वल्लभ जी के दर्शन और कर जाते हैं। यहाँ हमारे संस्कार बाबू सियर वंश, जय राधा वल्लभ लाल की। तो आप देख सकते हैं राधा वल्लभ जी के घेरे में एक बहुत बड़ी LED लगाई गई है स्क्रीन। और पहले महाप्रभु जी की ढोक लगा देते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।
आप दर्शन कर सकते हैं राधा वल्लभ लाल जी का, कितना सुंदर फूलों का बंगला बना है। हमारे देखो जय जय भी सब्सक्राइबर हैं, महाराज जी बता रहे हैं। हाँ जय जय, हमारे जय जय, हमारे जय जय हैं, जयपुर से स्पेशल सब्सक्राइबर हैं हमारे, और श्री जी की सेवा में भी है। और ये श्री जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो चुके हैं अभी अपन को ऊपर से, और बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। अब यहाँ से चलते हैं, तो ये अभी अपन चलते हैं यहाँ से बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और ये बिहार जी की गली में, मेन गली में देखिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, जितनी मतलब भीड़ रहती है अधिकांश उतनी नहीं है, बहुत ही कम है। तो मतलब प्रशासन की इस मामले में व्यवस्था अच्छी है। तो बिहार जी से पहले अपने मित्र की दुकान पर बैठते हैं। और ये फ़ोन में बरसाने के दर्शन आए हैं, आप देखिए करा भैया श्री जी के, देखिए बरसाने के आज के दर्शन है ये। और हमारा मित्र बता रहा है कि किसने बनाया ये बंगला, इसके मामा ने बरसाने में बंगला बनाया। देखिए ये देखिए कितनी कृपा है श्री जी की, जो कि इसके मामा को चुना है मतलब फुल बंगला बनाने के लिए। तो भैया बिहारी जी महाराज के दर्शन करके आते हैं, और आज ठाकुर जी महाराज जो है स्वर्ण के इंडोले में विराजमान है, तो ये विशेष दर्शन है आज के। हम आपको बिहारी जी के दर्शन नहीं कराएंगे, मगर हम आपको स्वर्ण के इंडोले के दर्शन करा देंगे। चलो भैया, तो आप देख सकते हैं बिहारी जी मंदिर के लिए मतलब यहाँ पर व्यवस्था कितनी सुंदर करी गई है, और इसी के कारण बिल्कुल भी भीड़ नहीं लग रही है। ऐसी व्यवस्था रहेगी ना हमेशा, तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगेगी। जय हो बिहारी जी महाराज की जय। देखिए भैया बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, आसानी से दर्शन हो रहे हैं। तो ये ठाकुर जी की कृपा से बड़े ही सुंदर दर्शन हो गए हैं बिहारी जी महाराज के, और ठाकुर जी महाराज ने हरी पोशाक पहनने की, बड़ा ही आनंद आया। भैया बिहारी जी के दर्शन तो कर लिए, अब लस्सी पी लेते हैं, बड़ा ही मन कर रहा है हमारा, तो गर्मी भी बहुत लग रही है ना इसलिए। बना भैया बना, टॉप की बनाई हो भैया। जय राधा वल्लभ लाल की। लो भैया, और ये है अपनी, बोल बिहारी जी महाराज की जय। भैया बहुत सुंदर बनाई है इस लड़के ने, क्या नाम है तेरा है? रुद्र, हमारे दोस्त का भी नाम है, देख ले। बहुत, अगर आप कभी पीना चाहें तो यहाँ से पी सकते हैं। बंद कर रहे हैं, वो गेट बंद कर रहे हैं, जल्दी चलो। देखो आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। तो भैया सामने गेट बंद हो रहा है, इसलिए हम जल्दी चलते हैं कुल्लड़ को लेकर के। भैया सामने गेट लग रहा है, इसलिए अभी अपन जा रहे हैं लस्सी को लेकर के। तो अभी अपन राधिका वल्लभ जी मंदिर में जा रहे हैं, जो किसी एक भक्त ने जो अपन को गिफ्ट दिया था ना, उसको लेने के लिए। जय हो। लो जय, एक में तो ही ले लेंगे। श्री हरबंश। लो जय। जैसा कि आपने यहाँ के दर्शन कर लिए होंगे, यहाँ पर ठाकुर जी ने और श्री जी ने लाल पोशाक पहनना की थी, उसका कारण ये है क्योंकि आज श्री सेवक जी महाराज जी का प्राकट्य उत्सव है। ठाकुर जी और श्री जी भी मतलब उनका प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं, ये विशेष दर्शन है आज के। तो फिलहाल अभी अपन चलते हैं, ठीक है श्री हरबंश। श्री हरबंश, चलो महाराज। और ये प्रसाद मिल चुका है, हाँ चकाचक चक। यहाँ पर श्री जी का त्रिफुआ प्रसाद। जय हो, बहुत सुगंधित है। तो ये यहाँ पर अपन ने जो है एक गिफ्ट जो है यहाँ पर रख दिया था, वो ये था जय। तो भैया फिलहाल अभी अपन अपने घर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज मतलब पूरे मतलब बहुत देर हो चुकी है, और ज़्यादा देर करेंगे तो मम्मी पापा डांटेंगे हमको। तो फिलहाल अभी अपन अपने घर पर पहुंच चुके हैं, और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे हम आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक आप सभी को राधे राधे, श्री हरबंश। और धन्यवाद करते हैं हेमंत को जो मुझे छोड़ने के लिए आया है। राधे राधे, राधे राधे।